यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड, जैसे कि आप सब जानते हैं कि बिहार में दिव्यांगता शिविर लग रहा है, जिसमें यूडीआईडी कार्ड और दिव्यांग प्रमाण पत्र, विकलांग सर्टिफिकेट बनवाकर दिया जा रहा है। सभी जिलों में यह शिविर लग रहा है बारी बारी से और सभी प्रखंडों में, बिहार के सभी प्रखंड, सभी जिले, सभी अनुमंडल में लग रहा है बारी बारी से। तो आप देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने फॉर्म जो है सो ओपन कर लिया है। स्टेप बाई स्टेप बताऊँगा कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, किस टाइप से करना है, सभी चीज़ में मैं आपको बारी बारी से बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको बारीकी से शुरू से बताते हैं कि रजिस्ट्रेशन जो है सो कैसे करना है। सबसे पहले जो है सो आपको आपके मोबाइल में या लैपटॉप में या डेस्कटॉप में कुछ भी होगा तो यहाँ पर क्रोम खोल दीजिएगा। देखिए, करने के लिए तो आप गूगल से भी कर सकते हैं, गूगल से भी, लेकिन गूगल से कहीं कहीं डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए गूगल से नहीं करके हम लोग जो है सो क्रोम से करते हैं। कौन से ब्राउजर से? क्रोम से करते हैं। तो चलिए अपना भी क्रोम खोल लीजिएगा, क्रोम नहीं है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। क्रोम पर जैसे खोलिएगा उसके बाद यहाँ सर्च बार आपको दिखाई दे रहा हो, यहाँ सर्च बार यूआर, तो यहाँ पर सर्च करना है swalamban.com, swalamban.gov.in। स्वा, जैसे स्वालंबन आप लिखिएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं swalambankard.gov.in आ गया है, इसी पर आपको क्लिक कर देना। अगर नहीं आ रहा है तो आपको पूरा लिखना होगा swalambankard.gov.in, या देख सकते हैं यहाँ इस तरह से आपको लिखना होगा। तो मेरे में आ गया है तो लिखने की आवश्यकता नहीं, मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँगा। जैसे क्लिक करूँगा तो आपके सामने होम पेज पर आ जाएगा इस तरह का, ठीक है, इस तरह से चलाएगा। और यहाँ पर दो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक ऑनलाइन अप्लाई का, एक ट्रैक योर एप्लीकेशन, ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई का, अप्लाई ऑनलाइन नाउ और ट्रैक एप्लीकेशन। तो मुझे नाउ, अप्लाई नाउ पर क्लिक करना होगा। तो जैसे मैं नाउ पर क्लिक करूँगा तो हमारे सामने चार तरह के ऑप्शन खुल कर आ जाएंगे, कुछ इस तरह के। आप देख सकते हैं चार तरह का ऑप्शन खुल कर आ गया है, और इस चारों ऑप्शन में आपको एक ही ऑप्शन कोई चुनना है, ठीक है, कोई भी एक ऑप्शन आप चुन सकते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में है, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, चारों ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन चुन सकते हैं। तो चलिए इसको हिंदी में कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। मुझे तो समझ आ ही जाएगा, हो सकता है आपको समझ में नहीं आए, तो चलिए हिंदी में कर लिया। देखिए, एक नंबर में यहाँ क्या लिखा जा रहा है कि मैंने कभी यूडीआईडी कार्ड पोर्टल या किसी अन्य प्लेटफॉर्म माध्यम से कोई विकलांगता प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है, ठीक है, नहीं प्राप्त किया है। अगर इस तरह का मामला अगर फ्रेश है, कभी भी प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है, या हाथ वाला, पेपर वाला कभी भी नए है, तो आपको यहाँ क्लिक करना होगा, ठीक है। अगर आप देखिए, दो नंबर में वही लोग क्लिक कर सकते हैं जो कभी विकलांग प्रमाण पत्र बनवाए हैं, जैसे कि शारीरिक मैनुअल रूप से जारी विकलांगता प्रमाण पत्र है, कभी भी आप विकलांग पत्र बनवाए होंगे जो हाथ से पेपर पर लिखकर डॉक्टर सिग्नेचर साइन मोर का यहाँ फोटो होगा और 40%, 50%, 60%, 80% जो भी परसेंट मिला है, अगर इस तरह का है, कभी भी विकलांगता प्रमाण पत्र आपके पास है, बनवाए हैं, तो आपको दो नंबर पर क्लिक करना होगा, ठीक है। अगर आपने विकलांग प्रमाण पत्र के लिए या यूडीआईडी कार्ड के लिए आवेदन किया था लेकिन यूडीआईडी कार्ड आवेदन अस्वीकार कर दिया गया तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, ठीक। चार नंबर में, मैंने विकलांगता प्रमाण पत्र यूडीआईडी कार्ड प्राप्त कर लिया है लेकिन मुझे नए यूडीआईडी कार्ड की आवश्यकता है क्योंकि, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। अगर नया बनवाना है फिर से तो आपको यहाँ क्लिक करना होगा। तो आप देख, अपने अपने हिसाब से आप 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर चूज कर लीजिएगा। अब इसको क्या करते हैं, इंग्लिश कर देते हैं, नहीं तो समझ में मेरा नहीं आएगा। तो इंग्लिश कर दिया, और नए हैं, फ्रेशर हैं, कभी भी आप आवेदन नहीं किए हैं तो एक नंबर पर क्लिक कर देंगे और यहाँ आपको समीर पर क्लिक कर देना। अगर कभी भी दिव्यांगता सर्टिफिकेट बनवाए हैं हाथ वाला तो आप दो नंबर पर क्लिक कीजिएगा। मैंने कभी नहीं बनवाया है तो मैं यहाँ पर समीर पर क्लिक कर दूंगा। समीर पर जैसे क्लिक करूँगा तो मेरे पास रजिस्ट्रेशन करने का फॉर्म खुल जाएगा और यहाँ पर लैंग्वेज चुनना होगा। अगर आप हिंदी में रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो हिंदी में, अन्यथा इंग्लिश में इंग्लिश में फिल करना चाहते हैं तो आप इंग्लिश चुन सकते हैं, ठीक है। तो जैसा है इंग्लिश वैसे ही मैं रहने दूंगा। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना होगा, पर्सनल डाटा आपको डालना होगा, पर्सनल डिटेल। पर्सनल डिटेल में आप यहाँ अपना फुल नाम लिखिएगा, जो भी आधार कार्ड में नाम होगा वो, ठीक है, उसका हिंदी यहाँ लिख दीजिएगा, फादर्स नेम लिख दीजिएगा, यहाँ मदर्स नेम लिख दीजिएगा, और यहाँ अपना मोबाइल नंबर डालिएगा, वही मोबाइल नंबर डालिएगा जो चालू हो, मैसेज आ जाए, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, और जो आपके पास हो। ईमेल आईडी भी वैसा ही ईमेल आईडी डालिएगा जो आपका हो, आप पर ईमेल आईडी पर ओटीपी आए या मैसेज आए वैसा ही ईमेल आईडी डालिएगा, दूसरा का नहीं डालिएगा। उसके बाद जन्मतिथि कितना है आपको यहाँ से चुन लेना है, यहाँ डाल देना है। कैटेगरी कौन सी कैटेगरी में आते हैं, जनरल में, ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है, यहाँ ईबीसी, उसबीसी इसलिए नहीं देगा क्योंकि सेंट्रल
गवर्नमेंट का जो है सो स्कीम है। तो यहाँ पर जैसे बिहार चुनिएगा तो हो सकता है दे दे या नहीं भी दे सकता है। उसके बाद जेंडर चुन लीजिएगा, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर। उसके बाद ब्लड ग्रुप, कौन सा ब्लड ग्रुप है या जरूरी नहीं है फिर भी आप देना चाहें तो दे सकते हैं। यहाँ रिलेशनशिप, रिलेशनशिप में आपको बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, यहाँ देख सकते हैं जो भी है। अगर सेल्फ है, अगर यहाँ पर खुद से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो सेल्फ चुनिएगा, अन्यथा कोई अगर दूसरा कोई आवेदन कर रहा है तो कौन लगते हैं आपका वह यहाँ पर फिर कर सकते हैं। उसके बाद अंडरटेकर का नाम यहाँ दे दीजिएगा, जिनके देख रेख में आप जो है सो आवेदन करवाइएगा या परीक्षण करवाइएगा। उसके बाद उनका अंडरटेकर का गार्जियन का नाम, नंबर, मोबाइल नंबर। उसके बाद जैसे नीचे आइएगा तो आपको यहाँ फोटो, पासपोर्ट साइज का फ़ोटो, ठीक है, 5 KB से 100 KB का ही फोटो अपलोड करिएगा, नहीं तो नहीं लेगा, ठीक है। उसके बाद आप बगल में देखिए तो सिग्नेचर का ऑप्शन आ रहा है, क्या आ रहा है, सिग्नेचर अपलोड करने का। सिग्नेचर जो है 3 KB से लेकर 30 KB तक ही लेगा, तो इसको अच्छा से देख लीजिएगा, यहाँ अपलोड कर दीजिएगा, अपलोड कर दीजिएगा। इसके बाद नीचे आइएगा तो यह ऑप्शनल डिटेल है, इसे आप चाहें तो भर भी सकते हैं और चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन दिया है तो मैं भर लूँगा। तो चलिए यहाँ पर बता देता हूँ, यहाँ इनकम डालना है, कितना आपका इनकम है, ठीक है। अगर 1 लाख है तो 1 लाख, 2 लाख है, 10 लाख है तो 10 लाख, 5 लाख है तो 5 लाख, ठीक है, और 5 लाख से ज़्यादा है तो यहाँ डालिएगा। उसके बाद आपको यहाँ क्वालिफिकेशन डालना है, क्या पढ़ाई किए हैं, ठीक है, लिटरेचर, प्राइमरी, मिडिल, सीनियर, हायर सेकेंडरी, डिप्लोमा, ग्रेजुएट, जो भी है वहाँ डाल लीजिएगा। उसके बाद यहाँ एम्प्लॉयमेंट डिटेल जानना है आपको, आप एम्प्लॉयमेंट है या अनएम्प्लॉयमेंट है, तो यह चीज़ यहाँ पर डाल लीजिएगा। उसके बाद जैसे नीचे आइएगा तो आपको जो है सो प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड का प्रूफ देना होगा। तो यहाँ पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, उसमें से जो भी आपके पास है, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार कार्ड, आर्म्स लाइसेंस, तो आधार कार्ड सबके पास होता है, तो आधार कार्ड आप जो है सो चुन लीजिएगा। चलिए मैं भी आधार कार्ड ही चुन लेता हूँ। उसके बाद जैसे आधार कार्ड चुनिएगा तो यहाँ अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, आधार कार्ड को अपलोड करना है, और वो भी 10 KB से लेकर 500 KB तक ही होना चाहिए उसकी साइज, तो ही अपलोड होगा, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद आधार नंबर लिख देंगे, यहाँ पर आधार नंबर लिख देंगे और यहाँ टिक लगा देंगे। टिक लगाने के बाद आगे बढ़ जाएंगे, आगे जैसे बढ़िएगा तो आपको एड्रेस के बारे में इन्फॉर्मेशन डालना होगा। आपको यहाँ पर एड्रेस के लिए कौन से प्रूफ देना चाहते हैं, इतना सारे प्रूफ है तो मैं इसमें से आधार कार्ड डालूंगा, तो आधार कार्ड चलूँगा, फिर आधार कार्ड का यहाँ वही जो है सो PDF मैं यहाँ दे दूंगा, PDF वही 10 KB से 500 KB का। उसके बाद एड्रेस यहाँ लिख दूंगा, ठीक है, घर, ब्लॉक, थाना और डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद यहाँ पर स्टेट चुन लीजिएगा, स्टेट जिस स्टेट से आते हैं, मैं बिहार से आता हूँ तो बिहार से, डिस्ट्रिक्ट चुन लीजिएगा जो भी अररिया है तो अररिया। उसके बाद यहाँ सब डिस्ट्रिक्ट चुन लीजिएगा, उसके बाद यहाँ ब्लॉक चुन लीजिएगा, ब्लॉक विलेज जो आता है वो चुन लीजिएगा, यहाँ पिन कोड विलेज विलेज ही आता है, पिन कोड जो आता है जो चुन लीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़िएगा, आगे बढ़िएगा तो डिसेबिलिटी डिटेल आपको देना होगा, ठीक है, यहाँ पर डिसेबिलिटी टाइप जो भी आते हैं तो आप यहाँ पर दे दीजिएगा। अगर लोकोमोटिव आते हैं तो लोकोमोटिव मैं चुन लूँगा। उसके बाद आपको ड्यू टू डिसेबिलिटी, कब से डिसेबिलिटी है, एक्सीडेंटल है या बचपन से है या बाद में हुआ है, तो मेरा जो है सो एक्सीडेंटियल है तो मैं एक्सीडेंटियल यहाँ पर क्लिक कर दूँगा। और डिसेबिलिटी कब से है, बर्थ से है तो बर्थ से, एक्सीडेंट में तो बर्थ से हो नहीं सकता है तो यहाँ पर नो लिख दूंगा। उसके बाद डिसेबिलिटी कितने, कब एक्सीडेंट हुआ था, तो वहाँ पर यहाँ पर सन डाल दूंगा, मेरा एक्सीडेंट जो है सो कब हुआ था तो 2007 से है तो 7 डाल दूंगा। उसके बाद आपको यहाँ पर हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट जो कराए हैं ना उसका विवरण यहाँ डालना होगा। अगर हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट ट्रीटमेंट किया है तो यस या नो भी लिख सकते हैं, यस कीजिएगा तो आपको यहाँ पर जो है सो हॉस्पिटल कहाँ पे है, बिहार में तो बिहार में कहाँ ट्रीटमेंट कराए थे, किस जिला में ट्रीटमेंट कराए थे, तो मैं यहाँ पर जहानाबाद, और कौन से हॉस्पिटल है तो सदर हॉस्पिटल कराए थे तो ठीक है, नहीं कराए थे तो आप नो भी कर सकते हैं। अगर सरकारी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराए थे तो ही यस कीजिएगा, अब प्राइवेट में इलाज चला था तो नो ही कर दीजिए क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल का नाम यहाँ नहीं आता है। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा फिल कर देना है, यह 7/14 होता है तो मैं यहाँ 7/14 भर दूंगा, देखिए भर दिया।
और यहाँ पर टिक लगा दूंगा, और जैसे टिक लगाइएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं दो आपको दावा दिखाई दे रहा है, या कैंसिल का एक सबमिट का, तो सब कुछ सही है। तो आप क्या कीजिएगा, सबमिट पर क्लिक कीजिएगा। जैसे सबमिट पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ टिक लगाने का 10, 5, 6, 7 जो है यहाँ पर लाइन से कुछ लिखा हुआ आ जाएगा, और यहाँ पर टिक लगाना, तो यहाँ उस सब पर आपको टिक लगा देना है, ठीक है। टिक लगाकर फिर सबमिट कर दीजिएगा। जैसे सबमिट कीजिएगा तो आपके पास एक रिसीविंग आ जाएगा, उसके बाद रिसीविंग को आप प्रिंट आउट करवा लीजिएगा। प्रिंट आउट करवाने के बाद जो है सो आप कुछ इस तरह से आपके पास फिर मेरा कैंसिल हो गया, इस तरह का आइकन आपके पास खुल जाएगा। यहाँ पर आप 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन के बाद आप जो है सो यहाँ स्टेटस आपको चेक करना होता है, तो यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। स्टेटस देखने के लिए 4 तरह के ऑप्शन आते हैं, एक इब्रियरी कार्ड नंबर से, मोबाइल नंबर, आधार नंबर एंड इनरोलमेंट नंबर। तो जो आवेदन कीजिएगा उसका रिसीविंग पर इनरोलमेंट नंबर भी रहता है, मोबाइल नंबर भी रहता है, आधार नंबर भी रहता है, यूडीआईडी कार्ड नंबर नहीं रहता। या यूडीआईडी कार्ड जब बन जाएगा उसके बाद आपको मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा, और आपके सर्टिफिकेट यूडीआईडी कार्ड पर भी यह नंबर मिलता है। तो अभी जब तक नहीं बनता है 3 तरह से भी आप उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए मैं जो है सो अपना आधार नंबर से चेक कर लूँगा, आधार नंबर यहाँ डाल दूँगा, ठीक है। और यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे सबमिट पर क्लिक कर देंगे तो हमारा नाम, हमारा इनरोलमेंट नंबर भी आ जाएगा, या यूडीआईडी कार्ड नंबर भी आ जाएगा, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, और मेरा यूडीआईडी कार्ड बनकर डिस्पैच हो गया है, और कहाँ से बना है यह भी यहाँ पर देख सकते हैं, और यूडीआईडी कार्ड के लास्ट 4 डिजिट यहाँ दिखाई दे रहा है। आप नए नए हैं तो आपको यह नहीं दिखाई, आप शो नहीं होगा, आपको यूडीआईडी कार्ड नहीं शो होगा, और यह सब तो दिखाई देगा। और यूडीआईडी कार्ड के ऊपर यहाँ पर लिखेगा प्रोग्रेस, और यहाँ हॉस्पिटल का नाम लिखेगा ही लिखेगा, या नहीं भी लिख सकता, तो यह देख लीजिएगा। बन गया होगा तो इस तरह से लिखेगा, नहीं बना होगा तो प्रोग्रेस लिखेगा, या जो है इस तरह से ही लिखेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय दिव्यांग।